मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, आई एम केशव योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट, आज हमारे इंग्लिश ग्रामर का जो मॉडल्स है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज हम नीड के बारे में स्टडी करेंगे, एन डबल ई डी। नीड का मतलब होता है आवश्यकता, ठीक है। नीड मॉडल का यूज आपको क्या कहां पर करना है, ध्यान रखना, जो सेंटेंस आपका नेगेटिव हो, नेगेटिव सेंटेंस, या फिर सेंटेंस आपका कैसा होना चाहिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। सेंटेंस यदि आपका नेगेटिव होगा या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, वहां पर आपको नीड का यूज करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड का यूज नहीं होता है, ओके? इसका फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यू आर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तुम इंटेलिजेंट हो और हार्ड वर्किंग हो। यू डैश नॉट टू टेक ट्यूशन, ठीक है। यहां पर आपको यदि नेसेसिटी दिखाई दे, ठीक है, तो इन दैट केस हम वहां पर किसका यूज करेंगे, नीड का। नीड का यूज करने के लिए सेंटेंस के रीड आउट कर लेते हैं। यू आर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तुम इंटेलिजेंट हो और हार्ड वर्किंग हो। यू डैश नॉट टू टेक ट्यूशन। तुम्हें आवश्यकता नहीं है ट्यूशन लेने की। अब आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो आवश्यकता के सेंस में किसका यूज करते हैं, नेसेसिटी के लिए नीड का यूज करते हैं। यू नीड नॉट टू टेक ट्यूशन, ठीक है। सेंटेंस मेरा किसमें है, नेगेटिव में, और नेगेटिव के बेस पर यहां पर किसका यूज किया गया है, नीड का, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखिए, डैश आई अटेंड दी एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। और यहां पे देखिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम नीड का यूज करेंगे, ठीक है। सेंटेंस हमारा है डैश आई अटेंड दी एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। ट्यूशन मार्क दिया हुआ है, तो मीन्स हमारा सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई अटेंड दी एक्स्ट्रा क्लास, मुझे लेने की आवश्यकता है क्या, एक्स्ट्रा क्लास। तो आवश्यकता, यदि आपके पास वहां पर ब्रैकेट में नेसेसिटी आ जाए या फिर नीड कैन कुड, इस तरीके से कोई भी ऑप्शन आ जाए, ध्यान रखना इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम किसके यूज करते हैं, नीड का यूज करते हैं। नीड का यूज करने के बाद में आप एक बार सेंटेंस को रीड आउट कर लीजिएगा कि आपने जो नीड का यूज किया है क्या वो सही है, क्या उसका भाव बैठ रहा है, ठीक है। नीड आई अटेंड दी एक्स्ट्रा क्लास, क्या मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी चाहिए, क्या मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेने की आवश्यकता है। तो ये हमारा सेंटेंस हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। नीड आज हमने कंप्लीट किया है। नीड के साथ साथ आज हम डेयर भी कंप्लीट करेंगे, डी ए आर ई, डेयर, ठीक है। डेयर का करेंगे यूज करेंगे। डेयर का मीन्स होता है साहस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं करेज, ठीक है। डेयर को इंग्लिश में बोलते हैं करेज, साहस। जैसे हमने नीड के बारे में बताया था कि नीड का प्रयोग केवल नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, उसी तरीके से डेयर का यूज भी नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डेयर का यूज किया जाता है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज वेरी शाय, ही डैश नॉट टू स्पीक इन पब्लिक। ही इज वेरी शाय, वो शर्मिला है। ही डैश नॉट टू स्पीक इन पब्लिक, सेंटेंस हमारा नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव में। और यदि हमारे पास ब्रैकेट में यदि दिया जाए करेज, करेज के लिए हम किसका यूज करते हैं, डेयर का। सेंटेंस को जब हम रीड आउट करेंगे तो हमें पता चलेगा ही
डेयर नॉट टू स्पीक इन पब्लिक, उसमें साहस नहीं है पब्लिक में बोलने का। तो जहां पर साहस से भरी बातें की जाती है वहां पर हम किसके यूज करेंगे, डेयर का। इसका नेगेटिव वाला सेंटेंस भी देख लेते हैं। देखिए दूसरा वाला सेंटेंस, आई एम योर टीचर, मैं तुम्हारा अध्यापक हूं। हाउ डैश यू स्पीक मी इन सच रूड मैनर, तुम्हारी साहस कैसे हुई मुझसे रूड मैनर में बात करने की, बोलने की। ठीक है, जहां पर साहस से रिलेटेड हम बात करते हैं वहां पर डेयर का यूज किया जाएगा। ब्रैकेट में यदि करेज का यूज किया जा रहा है तो करेज के लिए हम डेयर का यूज कर लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस यदि आपका नेगेटिव है या फिर सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है तो इन दैट केस हम वहां पर किसका यूज करेंगे, डेयर का यूज करेंगे। पहला वाला सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव है, लेकिन यहां से मेरा दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है और यहां से जब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा तो मुझे चेक करना है कि जहां पर मुझे डेयर का यूज करना है वो सेंटेंस नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हाउ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये मेरा सेंटेंस कौन सा हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बेस पर मैं यहाँ पर करेज के जो ब्रैकेट में आया हुआ है उसके बेस पर मैं यहाँ पर किसका यूज करूंगा, डेयर का। ठीक है, डेयर का यूज हो चुका है। एक और लास्ट वाला बचा हुआ है, वो है हमारा यूज्ड टू। यूज्ड टू इसका यूज किया जाता है भूतकालीन आदतों के लिए, भूतकालीन आदतें। आपको ध्यान हो तो मैंने आपको भूतकालीन आदतें के लिए वुड का यूज भी बताया था, वुड का यूज ही बताया था भूतकालीन आदतों के लिए। ठीक है, इसका कंफ्यूजन भी हम दूर करेंगे, कहां पर यूज टू का प्रयोग करना है, कहां पर वुड का यूज करना है। सेंटेंस में देता हूं जैसे कि अर्लियर आर डैश टू स्पीक अलाउट। सपोज सेंटेंस में रहा है अर्लियर आर डैश टू स्पीक अलाउट। अब हमें देखिए, अब मुझे मान लीजिए सपोज आपके ब्रैकेट में आ गया यू टू या वुड। अब आप कहोगे यूज टू और वुड का दोनों का प्रयोग भूतकालीन आदतों के लिए किया जाता है, ठीक है, लेकिन हमें यहां पर वुड का प्रयोग करना है या फिर यूज का प्रयोग करना है, टू को हटा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टू ऑलरेडी यहां पर आ चुका है। जब आपको यहां पर टू ऑलरेडी दिखाई दे तो वहां पर आपका यूज का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि हमारा मॉडल क्या है, यूज टू और ब्रैकेट में आपके पास में हुआ यूज और वुड, तो इन दोनों में से किसका यूज करना है, यूज का। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरे पास में क्या दिया हुआ है, टू, क्योंकि टू किसके साथ मिलता है, यूज के साथ। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, यूज का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ पे टू नहीं आता तो यहाँ पे किसका प्रयोग होता, फिर वुड का प्रयोग किया जाता। तो यूज टू हमारे क्लियर हो चुका है। सो टूडे वी हैव कंप्लीटेड आवर ऑल मॉडल्स। तो एक बार आप मॉडल को चेक करके देख लीजिएगा, कहीं पे भी कोई भी इश्यू आ रहा है, कंफ्यूजन थोड़ा बहुत होगा लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वो कंफ्यूजन बना रहेगा, ठीक है। सो मॉडल्स की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो इन दैट केस प्लीज आप एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।